फ्रेंड्स आज आपण मानक पिठार रेसीपी नहीं आसी ताप बहुत नरम पुष्पंजी आपण पाटी दौ दौ पाटी मिल जाव बहुत ही टेस्टी ऑथेंटिक रेसीपी। तो फ्रेंड्स फास्ट रु लास्ट जाए वीडियो को निश्चय देखु बिल्कुल भी स्किप करूँ ना। तो चलत आज रेसीपी स्टार्ट करवा। नमस्कार आपण मानक स्वागत करुचे मो चैनल सान भी मामा ओडिया रेसीपी। चलो तो आज रेसीपी सीझा पिठा। तो फ्रेंड्स तुला पर नरम केक् परी स्पंजी से भाई पिठा या आपण मैंने अरुआ चाउल 750 ग्राम ने बिरी 1 केजी। फ्रेंड्स आपण मैंने घरे जमी चूना करते सेमती करदे बिरी की मध्य भल भाव परिष्कार करके धोई बालीगुड़ा करके बाटिने एथर देखो मुमी गोलाउे बिरी रे चूना को आपण मैंने ठीक सहीपर करेंगे राउंड राउंड करके गोलैबे बिरी रे जमी गोटे भी हेले चाउल बिंदा रही एकदम प्लेन हो। फ्रेंड्स आपण मैंने जेकोसी पिठा करूँ जदि स्पंजी आउ नरम करने को चाहते टी बिरी मात्रा अधिक रहा। फ्रेंड्स मुझे कहूँ आपण मैंने ठीक सहीपर करती आपण पिठा बहुत नरम हम आपण मैंने घरे निजे बन सारिक खाई सारापर मत कमेंट्स देवे। तो आपण मैंने देखिकी तो जापरवे ना आप बनइबे निहती मत कमेंट्स देते आपण पिठा नरम है कि नहीं। एबे आपण आपणकर बैटर अनुसार लुण ने लुण को भल भाव गोलदेवे भल भाव बिरी गोल सारा 7-8 घंटा पर छाड़देवे बिरी फुल आपण बैटर टी बे पाया करें देखते मुझे जो भाई करें ठीक सही भाई करेंगे। नड़िया पर देखो मुझे करदे चीनी रे तो आप चाहिए गुड़ रे देखु एथर पिठा बसईवा आम हांडी हांडी देखु मुझे 2-3 घंटा पा नहीं जा गोटे भल कपड़ा परिष्कार कर सफा करी कौन करना ओदा करदे भल भाव धोईदे ओदा हो गला देखु केमती आप हाँ रखिए देखु पा कि जमी न लगे से भाई रखिए। पाखर जो पिठा सीझा थी करें इटली छाचर पिठा सीझा थोकी एबे देखते भल भाव कपड़ा सेटअप कर सारापर ताक गोटे बाणी साधिदेवे मुझे जो भाई करुचे आप ठीक सहीपर करेंगे। देखो मो बिरी एबे पूरा भल भाव फुली जाए जी। तो एबे कौन करिबा ना हाँ टी गैस बसईवा गैस बसई सारे कौन करिबा ना टी गरम होगापर आप बैटर थोबे हाथ साहय कौन कर बुड़े चार खेलीदे का सब बैटर थोबे आपण फास्ट कौन करिबा ना अल्प किसी थोबे तापर पूरा देवे पूरा दे सारापर पुणी आउ कि बैटर देवे एमती भल भाव साइज करके थोबे। देखो पूर दे सारापर आउ जो बड़का बैटर थोबा ताक भल भाव टी पा मारिक कौन करेंगे प्लेन करदे आपन टे सुंदर दिशापी कौन करेंगे काजू
ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ଟିକେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଭଳି କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କରିବେ। ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଚେକ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ପିଠା କେମିତି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଲିଗଲାଣି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଏବେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବେ, ଚେକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଏହି ପିଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ଫୁଟେଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଚା ଯଦି ଯିବ ଛୁରୀରେ ଲାଗିବ, ଯଦି ପିଠା ହେଇ ଆସିଲାଣି ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗିବନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ପିଠା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା, 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କପଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଟାଣିବା, ସେ ଆରାମସେ ଖୋଲି ହେଇଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପିଠା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କେକ୍ ଭଳି ଏକଦମ ଫୁଲିଛି, ବହୁତ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।